नमस्कार, आप देख रहे हैं बागेश्वर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ लता। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बागेश्वर में कपकोट के पिंडारी कफनी और सुंदरडूंगा ग्लेशियर को जाने वाले सड़क मार्ग में सोलिंग और डामरीकरण के दौरान लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल इस सड़क पर विनायक के पास बने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत काम चल रहा है और वहीं इस मार्ग में निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते लगातार गुणवत्ताहीन काम होने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर मानकों को ताक पर रखकर डामरीकरण का काम किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि काम करने के दौरान ठेकेदार की ओर से लगातार लापरवाही बरती जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने ठेकेदार पर काम के दौरान कार्यस्थल पर सूचना बोर्ड नहीं लगाने का भी आरोप लगाया। वहीं इस मौके पर क्षेत्रीय लोगों ने जिलाधिकारी और विभागीय अधिकारियों से काम की जाँच कराने की मांग की है। बागेश्वर जिले में घर से स्कूल के लिए निकला एक छात्र ना तो स्कूल पहुंचा और ना ही वापस घर लौटा है, जिससे कि छात्र के परिजन परेशान हो गए हैं। वहीं छात्र के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस छात्र की खोजबीन में जुट गई है। बागेश्वर तहसील के नैलगांव निवासी उमेश सिंह रावत ने कोतवाली में तहरीर देकर 12वीं में पढ़ने वाले बेटे के लापता होने की सूचना दी है। वहीं तहरीर में उनका कहना है कि बीते 2 नवंबर को उनका बेटा भगवत सिंह रावत घर से रवाइल खान इंटर कॉलेज के लिए रवाना हुआ था। इस दौरान उसे कामेड़ी के पास स्थानीय लोगों की ओर से देखा गया, लेकिन जब वह शाम तक घर नहीं लौटा, परिजनों के पता करने पर ये मालूम हुआ कि वो स्कूल भी नहीं गया था, जिसके बाद परिजनों ने कोतवाली में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई है और फिलहाल पुलिस छात्र की खोजबीन में जुटी हुई है। बागेश्वर में पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने नशा मुक्ति अभियान के तहत एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। इसी पहल को लेकर उन्होंने आज क्षेत्रीय विधायक और व्यापार मंडल के सदस्यों के अलावा नगर के वरिष्ठ नागरिकों के साथ कोतवाली में बैठक की। इस दौरान उन्होंने बैठक में मौजूद लोगों से नशा मुक्त जनपद के लिए जन सहयोग करने की अपील की है। वहीं इस मौके पर विधायक चंदन राम दास की मौजूदगी में इस अभियान को और तेजी से आगे बढ़ाने की बात कही गई। साथ ही साथ क्षेत्रीय विधायक ने भी पुलिस के इस अभियान की सराहना की है और लोगों से पुलिस विभाग को सहयोग करने की बात कही है। अपने पुलिस अधीक्षक बागेश्वर के नेतृत्व में अपने सभी वरिष्ठ साथियों के साथ यहां पर आज एक पोस्टर के माध्यम से यहां पर हुआ है। मैं पुलिस विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि बागेश्वर ज़िले में चाहे वो शराब का अवैध कारोबार हो, चाहे चरस का हो, ड्रग्स का हो, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे क्षेत्र में आज ड्रग्स जैसी बीमारी आ रही है, जिसको रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक जी ने आज एक नया अभियान नशा मुक्त बागेश्वर की शुभारंभ के लिए एक यहाँ पोस्टर के माध्यम से यहाँ शुरुआत की है। नशा मुक्त बागेश्वर बागेश्वर पुलिस का एक लक्ष्य है और इसको पूरा करने के लिए जन सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसीलिए आज माननीय विधायक बागेश्वर महोदय से अनुरोध किया था, एक पोस्टर जो बागेश्वर पुलिस ने बनाया है उसका अनावरण माननीय विधायक बागेश्वर महोदय ने किया है और उसमें जनप्रतिनिधि भी जो यहाँ के व्यापार मंडल के या वरिष्ठ नागरिकों के जो लोग थे वो लोग भी आए थे। बागेश्वर जिले में कांग्रेस कमेटी ने भाजपा सरकार की ओर से अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को लेकर SDM के माध्यम से DM को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि सरकार की ओर से अनुसूचित जाति के लोगों को योजनाओं का सही लाभ नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि प्रशासन और सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और इन समस्याओं के निवारण की मांग की है। आज तक जो बच्चों को अनुसूचित जाति के बच्चों को जो छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है और जो विधवा विकलांग जो इत्यादि जो पेंशनें रुकी पड़ी है, इस संबंध में हमने माननीय एक ज्ञापन दिया है। कैलाश मोहन जी हैं, इन्होंने जो हमारे कांग्रेस के पहले से जन कल्याण योजनाएं हैं, देखिए चाहे वो सारे वर्ग के हों, चाहे विकलांग हो, विधवा हो और छात्रवृत्ति हो, और जो हमारे कांग्रेस ने कोई गरीब परिवार का कोई कमाऊ व्यक्ति अगर मर जाता था उसे 30,000 रुपये देते थे, 17 से अभी तक इन्होंने उनको कोई लाभ नहीं दिया है। और ये सरकार
खाली लोगों को बहलाने और फुसलाने का काम कर रही है। जो हमारे नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष हैं हमें अनुसूचित प्रकोष्ठ के, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने आज जो यहाँ पर ज्ञापन दिया वो इस संदर्भ में था कि जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार थी उन सरकारों की जो कल्याणकारी योजनाएं SC और SC के भाइयों के लिए और छात्र छात्राओं के लिए करी थी, तो उनमें अच्छी तरह से अच्छे ढंग से जो है ये सरकार जो है उस पर काम नहीं कर पा रही है, जिससे वो लोग को जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर जैसे वृद्धा पेंशन हो गई, इस पर भी है, और बेरोजगार को ऋण है। बागेश्वर जिले में साइकिल चोरी की वारदात का मीडिया में प्रचार प्रसार का बड़ा असर देखने को मिला है। दरअसल पिछले दिनों शहर की एक व्यवसायी के घर के बाहर से उनके बेटे की साइकिल चोरी हो गई थी, पर घटना के फुटेज CCTV कैमरे में देखने को मिली थी, जिसके बाद इस वारदात को स्थानीय मीडिया की ओर से प्रमुखता से चलाया गया था, जिसके चलते ही स्थानीय प्रशासन की ओर से मामले की जाँच में तेजी की गयी। फिलहाल छानबीन के बाद पुलिस ने चोरी की साइकिल बरामद कर ली है। वहीं पुलिस ने साइकिल को व्यापारी नवीन जोशी को सौंप दिया है, और इस मौके पर व्यापारी नवीन जोशी ने उनके बेटे की साइकिल के मिल जाने पर पुलिस प्रशासन और स्थानीय मीडिया का आभार जताया है। वहीं आपको बता दें कि साइकिल बागेश्वर में पटना निवासी एक युवक ने चोरी की थी। और इसी के साथ बागेश्वर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।